कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। हमें कहीं और यार, ये
जिंदगी तो बहुत कम है, 100 साल की है, 100 साल में 110 साल में बहुत बड़ी बात है। कल मैं खेत लगानी जी जो है मेल से यहाँ मुझे कर दिया, हालांकि उनका बैकग्राउंड तो भारतीय जनता पार्टी का है, पर वो मेरे पिताजी जो मेल थे जोधपुर के अंदर तब के वो सक्रिय है, डॉक्टर थे, डॉक्टरी करते थे, अभी डॉक्टर ही है, मेल बने वो भी 8-10 साल पहले, 130 साल के हो गए। मैंने खबर पड़ी दिल्ली के अंदर कि जोधपुर में खेत लगाने की उम्र 100 के पार हुई, तो मैं जाकर घर मिल गया रात को, बड़े खुश हो रहे। बाहर का जो आई इसी कर में खूब मैंने नेवरे लिए ना, आप बैठो मैं आ जाऊँगा, पढ़ाने के लिए आए, अंदर जो है चाय पानी का इंतजाम किया था, वो खुद उठ उठ करके सबको सर्व कर रहे थे, 5-6 लोग हो गए थे, हमने कहा बैठो, माने नहीं, पूरा दिमाग काम करता है, शरीर काम करता है, और ठीक गाड़ी की फाटक का छोड़ना है, बहुत ठीक करने के बाद माने नहीं। ये बात तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये भाव अच्छे अच्छे संस्कार की बात होती है। तो मैंने आपको कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो 40 साल 50 साल मुश्किल से होती थी आयु, मुझे 60 साल का मतलब तो भाई साठ आते आते पता नहीं चला जाएगा, तो 50 के बाद में तो 55 हुई 56 हुई 57 58 पता नहीं कब जाने जाए, और 60 साल के लोग भी चले जाते थे, 60 तो बहुत बड़ी उम्र मानी जाती, अब तो वो 80 हो गई, 80 तक जो है उम्र पता ही नहीं, और अच्छी तो कई लोग पार करते हैं क्योंकि दवाइयाँ आ गई, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी रिसर्च हो गई, प्रदूषण में आज की समस्या है पर फर्क पड़ गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई, साफ सफाई के लिए खान पान बदल गया, 2 पैसे जेब में आ गए तो वो फल सब्जी फ्रूट भी खाता है, पहले ज़माने में तो अलग स्थिति थी, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। चित्रधार में कभी बिजली नहीं थी, लोग समझते थे बिजली होती क्या है, इसको नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था देश के अंदर, 70 साल में जो बजवा है वो 70 साल हुआ, यानी यहाँ बैठे हुए लोग 80-90 साल के लोग उनको मालूम हुआ कि 70 साल में हम क्या थे। मैंने मेरे बचपन देखा घर में नल नहीं था, ज्यादा में जाके पानी लेके आओ सींच करके, मोहल्ले में टूटी लगी तो खुशी होने पूरे मोहल्ले में, घर में आई उसके सालों बाद तो बहुत खुश हो गया, घर में नल आ गया, देख देख पानी निकलते करें अंदर से, बड़ी खुशी होती देख करके, टाइम इतना बदल गया। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो कहते हैं 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ देश के अंदर, तो बड़ा दुख होता है। लोकतंत्र काम लगा, कांग्रेस ने रखा है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, वापस आप लोगों को कामयाब किया तो मुझे मुस्बत आपने अंक कराया, इंदिरा गांधी जब वापस बनी प्राइम मिनिस्टर तब जोधपुर जनता ने मुझे यहाँ भारी बहुमत से कामयाब करके MP बना के भेजा। इस प्रकार से बहुत कुछ हुआ है, जो कुछ दिखता है देश के अंदर, उपग्रह छोड़े जा रहे 100 उपग्रह एक साथ में, दूसरी मुल्कों के उपग्रह यहाँ के छोड़े जा रहे हैं इसरो के माध्यम से, जहाँ से चंद्रयान गया, अभी मंगल ग्रह पे यहाँ छोड़ा गया, 40-50 साल लगे इसको बनाने में संस्थान को, बताओ कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, अरे रात और दिन का फर्क पड़ गया, रात और दिन का फर्क, जोधपुर में देखा पानी इंदिरा गांधी के नाम का आ गया, ब्रॉड गेज आ गई तो ट्रेनें चलने लग गई, पहले आगरा फोर्ट और दिल्ली में उससे दो ट्रेन थे, अधूरे नहीं मान के ट्रेन चलती, आसाम भी, बंगाल भी, चेन्नई भी, बंगलोर भी, हैदराबाद भी, मुंबई, दिल्ली सब चल गया, हवाई जहाज चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रहा कुछ नहीं, मोदी जी आए बात से कुछ, मोदी जी बड़े जोर शोर से बोलते हैं, मैंने कहा मोदी जी कृपा करो आप, ये तो लोकतंत्र, अगर आप प्रधानमंत्री तब बने हो
तो कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को कायम रखा देश के अंदर, तब बने हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, हमारे यहां वोटों का राज कायम रखा जो कांग्रेस ने दिया था देश को, महात्मा गांधी के सानिध्य में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना मुकनाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया संविधान। वो संविधान के अंतर्गत चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है, नए नए प्रधानमंत्री आते हैं। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्रियों को जेल, जुल्फिकार अली भुट्टो थे प्राइम मिनिस्टर, पहले जेल हुए उनको और फिर फांसी पर चढ़ा दिया उनको। हमारे मुल्क में शांति सद्भाव एक बूंद खुद नहीं गिरता है और सरकार बदल जाती है देखते देखते। ये ताकत आपको दी है तो मोदी जी को समझना चाहिए, देश को दी तो कांग्रेस की नीतियों ने, कार्यक्रमों ने, सिद्धांतों ने दिए देश को, और उसको कांग्रेस निभाया है। इंदिरा गांधी चुनाव हर गई, एक भी नहीं लगाया, गुराज भाई जैसा कि सोचा था, बाद में राजीव गांधी चुनाव कामयाब नहीं हुए किसी ने सौंप दी, वाजपेयी कामयाब नहीं हुए तो डॉक्टर मनमोहन जी ने सौंप दी, सरकार हर पार्टी की, देवगौड़ा जी भी आ गए, गुजरात साहब भी आ गए, बीपी सिंह जी भी आ गए, नसीला भी आ गए। ये तुम्हारी खूबसूरती है, दुनिया दुआ मानती है हमारा, पूरी दुनिया के 150 मुल्क है वो दुआ मानते, इतने बड़े मुल्क में डेमोक्रेसी काम कैसे रह गई, वोटों का काम कैसे रह गया, अलग अलग धर्म जाति वर्ग भाषाएं तमिल तेलुगु मलयालम सुननाती लिखा हुआ क्या है, पंजाबी अलग है, गुजराती अलग है, मराठी अलग है, बंगाली अलग है, इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना, किसने रखा, मोदी ने रखा, इंदिरा गांधी जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, लोग रोज मरते थे, 50 लोग 60 लोग 10 लोग 20 लोग, उनकी जान दे दी। इंदिरा गांधी हमारी महिला थी, महिला बैठी हमारी बहन माता है, महिलाओं का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा दिया कि एक महिला होकर के राज कर सके, 16 के देश के अंदर प्रधानमंत्री रही थी, और मरने के दिन पहले कहा मुझे मालूम था मेरी जान जा सकती है, उनको एहसास हो गया था, मुझे भी उन्होंने कहा था, मैं उनका मंत्री था, मेरी जान जा सकती है, पर उन्होंने उड़ीसा में कहा मेरी जान जा सकती है, पर अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे एक एक खून, मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। बांग्लादेश आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, इंदिरा गांधी 3,000 उनके कर्नल जनरल मेजर सैनिक हथियारों से सरेंडर करवा दिया वहां पर ढाका के अंदर, हमारी फौजों ने इतना हमारी फौजों का पराक्रम और साहस रहा, हमेशा फौज रहा है, बताइए 71 के अंदर 74 में परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर, इंदिरा गांधी आई थी यहाँ पर, क्या नहीं होती, फिर भी हमें सुनना पड़ता है कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे कुछ तो थोड़ा सोचो भाई, आप किस पद पे बैठे, इतना बड़ा पद है, गरिमा में पद है, प्रधानमंत्री का मान सम्मान वाला पद है, तो बोलते रहते हैं, क्योंकि हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए तो हमें सुनना पड़ता है, सुनने में हमारी क्षमता है, हमने सुनने की, जो सुनेगा वो इस कामयाब होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जो जनता ने आग्रह कहा आप विपक्ष में बैठो, पहले राष्ट्र में विपक्ष में थे तो हमने लगातार लड़ी लड़ी, आप लोगों की पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, तो आपने वहाँ पर हमें बना दिया, सरकार दे दी कांग्रेस की, और आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। ये करामात है पब्लिक की, इसलिए यही बात है कि अब से मिलते ही लोकतंत्र में कई बात आ जाती है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का माहौल चल रहा देश के अंदर, हम राष्ट्रवाद है ही नहीं, हम तो राष्ट्रवादी भी हैं, मानवतावादी भी हैं, अगर मानवतावाद नहीं हो तो राष्ट्रवाद नहीं होगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जमाने के अंदर कि राष्ट्रवाद
है, मानव तलाद है, अगर मानव नहीं रहेगा, मानव तलाद नहीं रहेगा तो राष्ट्रवाद कोई रहेगा नहीं। ये उस वक्त की आज से 87 साल पहले की बात है। आप सोच सकते हैं कि इस रूप में मुल्क चल रहा है, नई शताब्दी आ गई 21वीं, और जितना लोग आज मोबाइल फोन इंटरनेट ये जो आपका कैमरे वाले देखते शाम को आप रंगीन टीवी, पहले रंगीन टीवी था क्या? टीवी नहीं था, टीवी क्या होता है पता नहीं था हम लोगों को। हम जो तुम बड़े बड़े सोचते थे दिल्ली में खाली टीवी आया, टीवी कैसा होता देखेंगे दिल्ली जाकर, वो जमाना था। टीवी भी आ गया, रंगीन टीवी भी आ गई, चैनल भी आ गए, और सिद्ध में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज ऐसे मिल गई पाली के पंदे में चढ़े भगत सिंह चंद्र आजाद, लोग जेलों बंद रहे, पंडित नेहरू 10-12 साल से जेलों बंद रहे, अमीर बाप का बेटा था वो मोतीलाल नेहरू का, आनंद भाव दे दिया देश को, उसके बारे में क्या क्या सोच मिलन डालते बच्चे, बच्चों को भ्रमित करने काम कर रहे लोग, ये उचित नहीं है। सच्चाई को छिपाओ मत, अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को आप मोड़ोगे, इतिहास को तोड़ोगे मरोगे तो इतिहास कभी खुद नहीं बना पाओगे, ये मेरा मानना है। इसलिए रात दिन का फर्क है, ये राजीव गांधी का सपना था तो कंप्यूटर भी आ गए, इंटरनेट आ गए, कठिनाई लगती थी स्टेशनों पर टिकट के लिए, आगे आज भी मिलते नहीं था। आप अगर हरिद्वार जाना चाहो तो दिल्ली गाड़ी बदलो, फिर वहाँ पे आगे रेलवे है कि पता नहीं उसका, अब तो आप घर बैठे हुए टिकट खरीद लो, टेलीफोन में टिकट आ जाएगा आपका, हवाई जहाज का हो चाहिए जमाबंदी होने लग गई आपकी, जिस मित्र आज 60,000 ई मित्र काम करे रहा था, 60,000, हालांकि कई ई मित्र वाले बेईमानी कर रहे हमारे साथ, वो शिकायत मेरे पास आई है, उसको मैं निपट रहा हूँ। 10 रुपये जहाँ लेना चाहिए वो 50 रुपये ले सकता है, ने बनाया मुख्यमंत्री तब मैंने ये सेवा करी थी, उसका नाम था लोक मित्र, बदल के नाम ई मित्र कर दिया, कोई बात नहीं, पर आज 60,000 लगे हुए हैं, और जमाबंदी हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, म्यूटेशन हो, सब काम उसके अंदर 400-450 रुपये की सेवाएं उसके अंदर है ई मित्र के अंदर। राजीव गांधी सेवा के लिए बना दिए मेरे काम को, विकास तो कमी रखी नहीं, पेंशन दे दी, दवाएं फ्री कर दी, जाते फ्री कर दी, और संख्या बढ़ा दे दवाएं की, हम लोग ऐसी बीमारी होती है 1.5-2 लाख खर्च होता है एक मरीज के, पूरा पैसा सरकार देती है 1.5-2 लाख का मरीज का, तो मैं बीमारी होती है जीवी सिंड्रोम, मैंने खुद देखा कि लोगों को उसमें तकलीफ आती है, 5-5 हज़ार इंजेक्शन फ्री उसके अंदर, कहने का मतलब कि जन कल्याणकारी योजना हमारा मुख्य ध्येय है राजस्थान के अंदर, किसान कैसे सुखी रहे, उनको पूरा मूल्य मिले उपज का, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पर सरकार टाइम पे खरीद करे जिससे कि मूल्य कम नहीं हो जाए मार्केट के अंदर, तो सरकार अपनी तरफ से काम करे। पर ये जो आज मैं नहीं चाहता बार बार मैं कोई हर बात बीजेपी के बारे में बोलूँ, मैं पर मैंने मुझे 50 साल हो गए राजनीति करते, 50 साल हो गए या हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, 40 साल तो मुझे 40 होने वाले, बोले आपने एमपी बनाया ना उत्पाद को भी 40 साल होने वाले हैं, अच्छी मंडियों में, तो इसलिए मुझे कई बार गुस्सा भी आता है मेरे ऊपर। अब ट्रंप साहब ने कह दिया अमेरिका के अंदर मोदी जी को आप राष्ट्रपिता हो हिंदुस्तान के, अरे मोदी जी आपको उसी वक्त ऑपरेशन करना चाहिए था वहाँ पर ट्रंप के सामने कि भैया प्लीज माफ करो मुझे, हमारे राष्ट्रपति खाली वहाँ वहाँ पर गांधी और कोई नहीं है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी ने आजकल 15 साल से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेना शुरू कर दिया है,
पहले वहां पकड़ मानते नहीं थे, जब आपने शुरू कर ही दिया है उनके नाम पे आप प्रोग्राम चलाते हो, पद यात्रा करने की बात कर रहे हो, सरदार पटेल को अपना लिया। इस सरदार पटेल ने जब महात्मा गांधी हत्या हुई थी आर एस एस ने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, इन्होंने माफी मांगी आर एस एस ने, लिख के दिया हम जिंदगी में सभी राज्य की बात नहीं होगी, तब जाकर के वो सरदार पटेल माने। आप बताइए ये कांग्रेस नेता थे जो जेलों में गए थे, ये गड़गड़ कोई आदमी ठीक है बोला, जो गड़गड़ ठीक बोला कि गड़बड़ मेरे पार्टनर को सुबह गड़बड़ नहीं करा गई, कोई आ रही हमें बंदा बैठा हो माइक के पास में पति के पास में, अभी मैं आधा घंटा पहले अंदर बैठा था, मेरे पास जयपुर से वीडियो आया, एक लड़की का रेप कर रहे चार पांच लड़के, वीडियो दो उसमें वीडियो थे। आप बताओ इन लोगों को पूछो, एक मोदी जी के मैं ओबीसी का हूँ इसलिए लोग परेशान करते हैं, मैं भी ओबीसी का हूँ, मैं भी ओबीसी का हूँ, उसके माने कि आप जो है आपकी पार्टी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वीडियो तो आया नालंदा का है, वीडियो नालंदा बिहार का है और राजस्थान को चला दिया कि राजस्थान के अंदर देखो ये रेप हो रहा है अड़ोसी के अंदर, तो मुझे पुलिस को एक्शन देने पड़ेगा, खड़ने को टाइम नहीं होना, नुकसान देखिए राजस्थान में हो रहा है, मुझे घटना होती है हिंदुस्तान भर में होती है, पर ये आप इस प्रकार से सरकार को बदनाम करने में कुछ नहीं कर सकते। बंदे की भावना रखने वाले ये लोग हम नहीं है, हम सरकार बनती है अपना काम करते हैं, ये बदला लेते हैं। पहले देखते हैं सरकार बनते पड़ोस में कौन रहता है, कोई टीचर रहता है, डॉक्टर नर्स है, तो कह रहे उसकी बच्ची करवा दो, कांग्रेस वाला हम नहीं करते, पर इनका अलग तरीका है जो सब जानते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये संस्थान इतना अच्छा काम कर रही है, यहाँ मेरा बदल है हमारी संस्थान के लाभ दो प्रतियोगी प्रशिक्षण संस्थान, गरीब का काम मैंने किया, गरीब का काम किया, ज्योतिबा शिक्षण समिति ज्योतिबा और ज्योति सहदी भाई फोले का नाम आपको मालूम है कितना बड़ा योगदान उस जमाने में दिया 100 साल पहले, जब लोग स्त्री शिक्षा को बढ़ाना पाप मानते थे, सावित्रीबाई फुले खुद पड़ी ज्योतिबा फुले से, तो ये इतिहास गवाह है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अलग जगह किसी ने देश में, तो ज्योतिबा फुले ने जगह थी देश के अंदर, जो मानी समाज के थे, महाराष्ट्र में जगह मूर्ति लगी हुई थी है, महाराष्ट्र के मंत्रालय के अंदर जहाँ विधानसभा होती है वहाँ पर उनकी मूर्ति आलमगढ़ लगी हुई है, तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपके समाज का हमारे समाज का एक व्यक्ति महात्मा वो भी कहना है महात्मा ज्योतिबा फुले, घर घर में लोग उनकी पूजा करते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, और अभी धर्मशाला बन रही है यहाँ पर, तो कहने मुझे एक तरफ तो संस्थान काम कर रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा जो है अभी बच्चों को सम्मानित किया गया, बाकी बड़ी काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, और एक तरफ ध्यान जाता है उनके स्वयं अगर संभव नहीं था जब काम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ओर से आप सबकी ओर से, और जो बच्चे आज सम्मानित होंगे जो प्रतिभा उनके अंदर है उनको बहुत बहुत बधाई है, मेरे शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, अच्छी पढ़ाई करके वो कामयाब हो जिंदगी के अंदर, चाहे वो राजनीति में आए, चाहे वो समाज सेवा करें, चाहे वो उद्यमी बने, चाहे व्यापार करें, बहुत एवेन्यू है, स्टार्टअप नहीं शुरू हो गया है, कई बच्चे स्टार्टअप के माध्यम से नहीं खोज कर रहे हैं, इसके डेवलपमेंट के माध्यम से सरकारें ट्रेनिंग दिला रही है बच्चों को, जिससे कि बच्चे जो है अपना काम धंधा खुद कर सके, आईआईटी थी अब इसके डेवलपमेंट की अलग ट्रेनिंग होती है, वो काम भी है, पढ़ाई के बगैर जिंदगी में अंधेरा है, खुद की जिंदगी में परिवार की जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, वहाँ ये जाति पानी सब पीछे रह जाती है, अगर कोई कौम को मरना चाहता है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो,
उनमें जाति बहुत होती है, जाति सब में है, मुसलमानों में जाति होती है, वहां पिछड़े अगड़े हैं। मेरा मानना है वो जाति जो अगड़ी है तो होशियार होना चाहिए, ऐसा होना उनके पास, पर जो गरीब है पिछड़े हैं उनको चाहिए अगर आगे बढ़ना है एक ही रास्ता है वो है शिक्षा का। अगर आप शिक्षा दोगे बच्चों को, और सरकार ने तो मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी ने तो आपको मालूम है कि अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी, नरेगा आया पहले रोजगार का अधिकार कानून बना के फूड सिक्योरिटी आ गई, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 किलो किलो चावल, हमें रास्ता में 2 रुपये का 1 रुपये कट गया गरीबों के लिए। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, लड़कियों शिक्षा फ्री कर दी हम लोगों ने, चाहे वो विश्वविद्यालय में जाए कॉलेज में जाए कहीं जाए, शिक्षा का अधिकार सबको मिल गया देश का, और शिक्षा के बगैर पूरी जिंदगी में कुछ नहीं। IT का जमाना आ गया है, उसमें अगर आप शिक्षित हो तो आपकी तनख्वाह 5 लाख भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, ये स्थिति है ये दुनिया के अंदर ले रहे लोग ले रहे सरकार को चले रहे। इसलिए आप ऐसे वक्त में आते हो तो एक संकल्प लेके जाओ, अपने गांव में 36 गांव की सेवा करो, आगे बढ़ना राजनीति में वो बढ़ेगा जो 36 गांव की सेवा करेगा, वो कामयाब होगा जिंदगी में। वहाँ जातिवाद काम नहीं आता, जातिवाद तो शादी ब्याह में आता है, दुख दर्द में आता है, सुख दुख में आता है, पर बाकी अगर आगे बढ़ना आपको, लोकतंत्र है, वोटों का राज है, वोट तभी मिलेंगे तब आप सब जातियों के दिल को जीत लोगे। ये हमारी समाज का बच्चा जो है ये हमारी सेवा करता, ये हमारी सेवा करता, तब जाकर के दिलों पे राज करेंगे आप, तो फिर आपको चाहे सरपंच हो, वार्ड पंच हो, MLA हो, MP हो, सब चांस मिलते हैं। तो मैं आपको आई लोगों को बधाई दूंगा, कांग्रेस साहब को उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तब भी उनकी इच्छा शक्ति जो है वो उसे समाज सेवा भी करवा दी, रिटायर हो गए वो, तो समाज सेवा का जज्बा उनके अंदर बहुत भयंकर है, ये मैं कह सकता हूँ। कभी दिल्ली कभी दिल्ली फिरे थे चंदा मांगते हुए मांगने के लिए, मैं दिल्ली में कोचिंग क्लास शुरू करूँ, तो कहना मतलब ये वही कहते थे जिनके दिल में भाव हो काम करने का। तो मैं आप सबसे आह्वान करूँगा कि आप लोग सब नेतृत्व करें, समाज के अन्य लोगों को समझाएं जो ज़्यादा अनपढ़ है या बैकवर्ड समझ नहीं पाते हैं, गाँव ढाई रहते हैं, गाँव में जो भी इंसान है कैसे उसको आप शिक्षा की तरफ प्रेरित करें, यही बात कहता हूँ मैं आपको आज के अवसर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ विजयदशमी के उपलक्ष्य में, और आप लोग मुझे याद किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। माली समाज के छात्रवृत्ति एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करें। इस दौरान किस तरीके से जातिवाद से आगे बढ़कर समाज सेवा को अगर आप सर्वोपरि मानेंगे तो फिर आपके विकास को कोई भी नहीं रोक पाएगा, संदेश सीधा सीधा मुख्यमंत्री के जरिए दिया गया। जोधपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, माली समाज के छात्रवृत्ति एवं प्रतिभा सम्मान समारोह की तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे थे।